ब्रेक के बाद का स्वागत है। प्रदेश में राज्य मुक्त विद्यालय इग्नू की तर्ज पर संचालित किए जाएंगे। इन विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों की सुविधा को देखते हुए सप्ताह में 2 बार कक्षाएं लगाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। ये बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि SOS के स्टडी सेंटर में छात्रों की काउंसलिंग भी की जाएगी। प्रदेश में राज्य मुख्य विद्यालय SOAS इग्नू की तर्ज पर संचालित किए जाएंगे। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों की सुविधा को देखते हुए सप्ताह में 2 बार कक्षाएं लगाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ये बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा SOS स्टडी सेंटर में छात्रों की काउंसलिंग भी की जाएगी। SOS के स्टडी सेंटरों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेरोजगार शिक्षकों को पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए बेरोजगार शिक्षकों को मान्यता दिया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पहली बार SOS की कार्यशाला का आयोजन धर्मशाला में किया गया है। धर्मशाला मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में जिला कांगड़ा के SOS स्टडी सेंटर के समन्वयक प्रधानाचार्य ने हिस्सा लिया। आज यहाँ पर बोर्ड के परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये SOS यानी स्टेट ओपन स्कूल के संबंधित था। SOS के माध्यम से छात्र हितैषी शिक्षा और इसका सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए, इसके ऊपर विचार हो रहा है। ये दूसरी कार्यशाला थी, पहली कार्यशाला शिमला में हुई थी और तीसरी कार्यशाला मंडी में होगी। जब से मैंने अपना कार्यभार संभाला है तो उसके बाद मैंने ये तय किया कि यदि शिक्षा व्यवस्था को जिस प्रकार की भी है उसको यदि सुधार करना है तो फील्ड में काम करने वाले लोग, शिक्षक और अन्य लोगों के साथ संपर्क और संवाद स्थापित करना पड़ेगा। और ये संपर्क और संवाद SOS को सुदृढ़ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए है। 2012 से SOS की व्यवस्था इस बोर्ड ने की है, लेकिन 2018 तक अगर हम देखें तो SOS में जितने विद्यार्थी पंजीकृत हुए उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। और जब हमने स्टेप लेने प्रारंभ किए तो जून में SOS को पहला स्टेप हमने सुदृढ़ीकरण करने के लिए लिया था, जिसमें कि 3 गुना विद्यार्थी हमारे पास आ। तो हमारे विद्यार्थियों को SOS के माध्यम से सस्ते में शिक्षा मिले, उनकी फीस भी कम हो, मटेरियल उनको अच्छा मिले और उनको शिक्षक भी उपलब्ध हो उनको काउंसलिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्योंकि साल भर पिछली व्यवस्था में ऐसे देखा कि उनको अटेंड करने के लिए बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का शिक्षक नहीं होता। अनेक प्रकार की समस्याएं SOS सेंटर्स में भी थी, उनको दूर करने का प्रयास किया है। इसके लिए हमने तमाम कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ पर बुलाया था। आज 103 कोऑर्डिनेटर हमने बुलाए थे, जिनमें ज़्यादा संख्या में कोऑर्डिनेटर यहाँ पर पहुँचे थे जो स्टडी सेंटर को डील करते हैं। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले उनके कठिनाइयों को दूर करने के लिए किए हैं।